और आज हमारे साथ अनिल सेठी साहब हैं, और जो कि ये बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर हैं और बहुत सारे सोशल वर्क कर चुके हैं और बहुत सारा स्ट्रगल किया है इन्होंने बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। ट्रिप जाना है, बोला नहीं है मेरे पास, नहीं इन्होंने 300 रुपये नहीं है, अरे ये क्या है। तो तब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है। टेंपल जाओ, मॉस जाओ, चल जाओ, उधर खाना देते हैं। जी, एजुकेशन इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल टू लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये बताइए कि आपने कहा है मोदी जी के बारे में सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी के लेवल पे ये बात दिखाई देता है, लेकिन डाउन द लाइन आपके लीडरशिप में बीजेपी में दिखाई नहीं देता है। और किसी भी मुस्लिम के पास जाके सिर्फ आप एक वर्ड बोले बीजेपी, तो उनको ये पता चल जाता है अगेंस्ट मुस्लिम। आप युवा हैं, बहुत यंग हैं, तो आप अपने लीडरशिप में इस चीज़ को, ये जो प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और डाउन द लाइन इतना हेट्रेड क्यों है? तो मैं इस बात को क्लियरली बोलता हूँ, हम प्रो हिंदू हैं, एंटी मुस्लिम नहीं, प्रो हिंदू। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल से जो कांग्रेस किया है माइनॉरिटी अपीसमेंट से, हिंदुओं को अपने देश में सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज हमारे साथ अनिल सेठी साहब हैं, और जो कि ये बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर हैं और बहुत सारे सोशल वर्क कर चुके हैं और बहुत सारा स्ट्रगल किया है इन्होंने बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। तो आज पहले हम बात करते हैं अनिल सेठी साहब से कि इन्होंने जो स्ट्रगल किया था और बाद में इन्होंने सारी चीज़ को कैसे अचीव किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। अनिल सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IMB के स्टूडियो आने के लिए। नमस्ते। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में कि आप 18 साल अपने ज़िंदगी का काफ़ी स्ट्रगल में गुजारा है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? तो सबसे पहले जो भी हिंदी में बोल सकता हूँ जी, वो बॉलीवुड मूवी से सीखा हूँ। अच्छा। अगर अच्छा या बुरा हो तो, खराबी हो तो बॉलीवुड मूवी को टेप करना। और दूसरी बात, आपने पूछा कि मेरा पहला 18 साल कैसा रहा। तो मैं उडुपी के जो कुंदापुर एक तालुक है उनके अंदर एक छोटा सा गांव है शंकराणा करके, उनके अंदर एक सब गांव है कवलाडी करके, उधर से आता हूँ। तो ऐसी है कि पूरे गांव में 10 मकान है, 10 घर में 20-25 लोग रहते होंगे बस, और कम से कम हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था, तो ना पावर थे, नो लाइट था, नो टॉयलेट था, नो टीवी फोन का कुछ कुछ ये नहीं था। मैं अभी भी मुझे याद है कि हम इनलाइन लेटर लिखते थे। अच्छा। तो बेंगलुरु में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको लेटर लिखते थे, वो 1-2 हफ्ता के बाद आएगा वो लेटर का रिप्लाई। तो मैं स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ, मतलब वो जिंदगी था, हमको पता ही नहीं था कि उसके आगे क्या है। तो जब तुम्हें और एक जिंदगी के बारे में मालूम ही नहीं था, तो जो जिंदगी आपको मिला वही जिंदगी है, जिंदगी है। हाँ, तो मुझे अभी भी मालूम है कि मुझे स्कूल में ट्रिप लेके जाने वाले थे, 300 रुपए मांगे, 300 रुपए हमको कर्नाटका का 3-4 जगह दिखाएंगे, ट्रिप है, स्कूल ट्रिप है। मैंने मेरे फादर के पास जाके बोला कि मुझे 300 रुपए दे दो। उन्होंने बोला क्यों, मुझे ट्रिप जाना है। बोला नहीं है मेरे पास, नहीं। तो बोला 300 रुपये नहीं है, अरे ये क्या है। तो तब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, 300 रुपये का ट्रिप नहीं देखता। और हमारा पॉकेट मनी मिलता था 50 पैसे और 1 रुपया। क्या आता था, 1 रुपए का वो जो पीनट्स आते थे, नहीं तो 1-2 चॉकलेट आते थे, 3 चॉकलेट आते थे, 3-4 चॉकलेट आते थे, तो बस वही है। तो और मैं स्कूल, पहले स्कूल 5 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ता था, दूसरे स्कूल 10 किलोमीटर, और जब मैं पीयू में था 11th और 12th, उसके लिए कम से कम 35 किलोमीटर जाना पड़ता था बस में और पैदल चल के। ऐसे ही रहा, हमको कुछ और दुनिया मालूम नहीं था, तो वो जो दुनिया में थे उसमें बहुत खुशी खुशी से चल रहे थे, लेकिन स्ट्रगल था क्योंकि पैसे का स्ट्रगल था, बाकी सब ठीक है, हमारा आरोग्य स्वस्थ अच्छा था, काम करते थे, पूरा पूरा फॉरेस्ट घूमते थे, वो तो वो सब थी। लेकिन जो घर था, घर क्या है, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो जो घर में है तो लीक होता था, तो बारिश, आपको मालूम है कि हमारा
मंगलोर और उल्पी में बारिश इतना आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब वो होता था तो पूरा लीक हो जाता था घर। तो ऐसे ही हम तीन बच्चे थे, तो सब पढ़ाई में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे पढ़ाई करते थे। तो मुझे जब 18 साल था 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे 95% आ गया, तो और इंजीनियरिंग सीट भी मिल गया। अच्छा, वो गवर्नमेंट सीट था। तो हमने कन्नड़ा मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की और गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट कोटा में MS रामैया में सीट मिल गया। तो मुझे बेंगलुरु आना है, तो कभी आया ही नहीं। तो पहली बार मैंने बस में चढ़ के 70 रुपए, 70 रुपीज था मेरे पास। अच्छा, तो इधर आ गया। इधर आके मैंने मेरे माँ के भाई है उनके पास गया कि आप मेरा फीस भर दो। मैंने बोला ठीक है भर दूंगा, 15,000 का फीस है। और कॉलेज गया, कुछ नहीं मालूम था, मैंने शू कभी नहीं पहना, मैंने कभी फोन नहीं यूज किया था, तो पूरा नया था। जब बैंगलोर आया था पूरा नया नया दिख रहा था, पूरा दुनिया भी अलग है। तो जब मैं गांव में था हिंदी पिक्चर देखता था, एक पिक्चर आता था हर हफ्ता, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, एक के एक घर में, पूरे गांव में एक के घर में उनका बेटा फॉरेन में था कुछ था, वो लेके आया था एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसमें हफ्ते में एक बार एक पिक्चर देख के वो हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखा। तो उसके बाद जब इधर आया था मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो तुम्हारा पूरी चाहत और पूरी कोशिश वो पैसा बनाने में होता है। और मैंने पेरेंट्स ने बोला देखो तुम्हारे पास बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, तो जाके अच्छी तरह से पढ़ाई करके हमारे परिवार को संभालो। ठीक है आ जाऊंगा। तो पढ़ाई में अच्छा था, तो मैं इधर आके MS रामैया में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मुझे इंग्लिश नहीं आता था। जब मैं इंग्लिश सीखा तब 21 साल का था, थोड़ा थोड़ा सीख गया। और जब मैं सीख गया कि मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, तो मैंने कॉलेज छोड़ दी। अच्छा, तो कॉलेज छोड़ के मेरा ही खुद का थोड़ा बिजनेस चालू किया, तो स्टॉक मार्केट में। और मार्केट स्टॉक मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग में थोड़ा पैसा बनाया, और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, हमारा पूरा पैसा गया, जो भी मैंने उधार में लिया था सब गया, और मेरे पास कुछ नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, और पूरा उधार में था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं। अब आपको मालूम है वो जो इस्कॉन टेम्पल बोलते हैं, इस्कॉन टेम्पल में गया। तो जब टेम्पल जाओ, मॉस जाओ, चर्च जाओ, उधर खाना देते हैं जी, वो अच्छा। तो उन्होंने मैंने मुझे खिलाया और भगवत गीता का पुस्तक मुझे मेरे हाथ में रख दिया। तो मैंने पढ़ाई शुरू की। तो तब से आज तक तो मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, टेम्पल जाता हूँ, पूरा जिंदगी बदल गया जी। और उसके बाद एक एक दिन मुझे मालूम है कि मेरा फादर हॉस्पिटल में थे, 21 दिन हॉस्पिटल में थे, वो वेंटिलेटर में डाला था। हमारे पास पैसा नहीं था कि हॉस्पिटल बिल पे कर दे, तो मैंने गया, पैसा कुछ नहीं था, मैं इधर से एक बस पकड़ के गांव गया, गांव का हॉस्पिटल में जाके रुक गया। तो बिल देने का टाइम आ गया और हमारे पास कुछ नहीं था, तो 5,000-5,000, 2,000-3,000 पूरा इकट्ठा करके हम हॉस्पिटल का बिल भर दी। और जाने के टाइम में मेरे माँ बोली कि क्या कर रहे हो तुम, जिम्मेदारी संभालो, कुछ करो जिंदगी। मैंने इधर आ गया, तो बेंगलुरु आके ट्रेन पकड़ा, सीधा मुंबई गया। मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था, किसी को जानता नहीं था, और एक एक दोस्त था, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट चालू किया बॉलीवुड में, मैंने बोला तुम आ जाओ तो मेरे साथ काम करना। तो मैं उधर कोई किसी को जानता नहीं था, लेकिन वो जो विश्वास होते हैं ना, अगर आपके पास कुछ नहीं था ना, जो भी आएगा आपको फायदा है, मेरा मानना इतना है। जब आपके पास कुछ नहीं था वो भी आपको पॉजिटिव है कि कुछ नहीं था तो जो भी आएगा फायदा, होने का तो डर नहीं, होने का डर नहीं है। तो मैं गया, तो बॉलीवुड में कुछ बिजनेस चालू किए हमने, मैं 23 ईयर्स ओल्ड का था तब, तो बिजनेस अच्छा चला, तो हमने कुछ पैसा बनाया। जब 25 वर्ष का था मैं सोचने शुरू किया कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, तो क्या पैसा बनाना है मेरा मंजिल, और या क्या पॉपुलर बनना है, क्या
करना चाहता हूँ, और मेरा जिम्मेदारी था घर को संभालना, क्योंकि मेरा मेरी माँ कभी कभी फोन करती है, बोलते कि तो परिवार का जिम्मेदारी समझो, तुम जो भी करना चाहते हो करो लेकिन परिवार का। ठीक है, तो मैं पूरा जो भी जिम्मेदारी था मेरा, घर बनाना, क्योंकि घर लीक हो रहा था, घर लिखो बना दिया, माँ बाप का जो भी है देख लिया, और मेरे सिस्टर का शादी करवाया, मेरे ब्रदर को हेल्प किया, पूरा बनाने के बाद मैं सोचने शुरू किया मैं क्या करना चाहता। तो बेंगलुरु वापस आ गया 2012 में, मैं बेंगलुरु वापस आके तो इधर काम चालू किया, बिजनेस वगैरह। उसके साथ मैंने मैं जब कोरमंगला में रहता था, तब उधर बाजू में एक ऑटो रिक्शा स्टैंड था, तो ऑटो रिक्शा स्टैंड में मैं जब जाता हूँ हर दिन, उनसे बात करना शुरू किया। तब से मेरा जो सोशल वर्क है, समाज के लिए मैं जो करना चाहता हूँ, वो चालू हुआ। वो चलो। तो अब ये है कि आपने सोशल वर्क में बहुत सारे काम किए हैं अनिल साहब। आपने किया है कि एक सबसे बड़ा आपका था कि फ्लेक्स, पॉलिटिकल फ्लेक्स बेड़ा करके, उसके बाद आपने कहा पीस ऑटो के बारे में काम किया है, फिर नम्मा हीरो आपने कुछ निकाला, फिर कहा कि इलीगल जो केबल है उसके बारे में बात की आपने, फिर यूथ फेस्टिवल के बारे में आपने काम किया, सेव गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, फिर वो आपने कहा कि अटल जी क्लिनिक खोला है, तो ये सारे चीज़ आपने किया, तो इसके लिए पैसा कहाँ से जुटाया? तो ये है कि जब आपको मैं आपसे बात करते बोला था ना, ना मैं सेल्फ मेड हूँ, ना मैं फैमिली मेड हूँ, मैं सोसाइटी मेड हूँ। जब लोग कहते हैं वो सेल्फ मेड आदमी है, वो फैमिली फैमिली से आया है, नहीं, मुझे समाज ने बनाया। जब मैं इधर आ गया था, मैं किसी को जानता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं लोगों को जानने लगा, सब लोग मुझे वेलकम करने लगे, ये हमारा है, ये हमारा, सब लोग सपोर्ट करने लगे। मैंने धन बिजनेस बनाया, फायदा किया, और मेरा जो मुझे जो चाहिए वो सब मिल गया। मैंने दुनिया घूमा, तो जब भी चाहता, जब मुझे मन लगता है मैं यूरोप जाऊंगा, ये जाऊंगा, जो भी मेरे पास नहीं था वो सब मेरे पास आने शुरू किया। मैंने सोचा कि ये सब मुझे भगवान ने दिया है और लोगों ने आशीर्वाद, मुझे ये सब आ गए। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं गांव में रहते हैं, इधर अपनी जिंदगी बनाने के लिए बेंगलोर आते हैं। मैं बोलता हूँ कि मेरा जन्मभूमि जो कुंदापुर है, लेकिन मेरी कर्मभूमि ए बेंगलोर है। तो आपको सब अचीव कर लिया आपने, तो फिर पॉलिटिकल क्यों फील्ड क्यों ज्वाइन? तो जो आप अचीवमेंट और सक्सेस बोलते हैं ना, मेरे मेरा कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा मेरा इतना ही डेफिनेशन है कि मैं जो जितना भी मेरे पास है, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ, कोई बिलियनर होगा, कोई मिलियनर होगा, कोई जो भी है, लेकिन मुझे जो मिला है भगवान के दया से और मेरे परिश्रम से भी और लोगों के सहायता से भी, जो भी मैंने बिजनेस में जो भी कमाया वो मेरे लिए काफी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं कोई मेरा एक ही लाइन है कि आप अच्छी अच्छे मार्क मार्क से जो अच्छा मार्क चूज करो, पाथ चूज करो, उससे कमाओ, जितना चाहिए उतना कमाओ, सच्चाई के मार्ग से, और एक सच्चाई का और एक मीनिंगफुल लाइफ जिसमें अर्थ होना चाहिए, जिसमें कुछ कुछ होना चाहिए, उतना लाइफ लीड करो। तो जब भगवान ने मुझे जो भी कुछ भी दिया, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं उनको मैं कुछ कर सकता हूँ, उनके लिए, उनके जिंदगी को ऊपर लाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो धीरे धीरे आपको लग जाएगा ना। तो एक छोटा काम करो, उसमें कोई किसी का भला होता है, तब आपको लगता है कि अरे मैं भी किसी का भला कर सकता हूँ। तो 2 आदमी, 10 आदमी, 15, ऐसे ही मैंने कोई सोच के नहीं बताया ये सब काम किया कि वो मुझे ये बनना है इसलिए ये सब करना है। मैंने कभी जो मैं बनना चाहता हूँ उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, बस मैं हर दिन उठ के मुझे क्या काम करना चाहिए सोचता हूँ, क्या बनना चाहता है मैं कभी सोचा ही नहीं, मुझे अभी तक पता ही नहीं क्या आप जो मैं बना हूं वो आपके नजर से बना हूं, आपको आपका जो नजरिया है वो अनिल ये है, अनिल आपने अभी बोला ना ये है, आप ये है, वो है, मुझे पता नहीं। मुझे बस इतना ही पता है कि मुझे काम करना आता है, मुझे दूसरे के भलाई के लिए काम करना है और अपने लिए खुशी से रहना है। मैं खुशी से रहना चाहता हूँ, और मेरा भी कुछ स्पिरिचुअल गोल है, मैं जो भी फॉलो करता हूँ, मेरा भी भगवान से बहुत आस्था है, तो
तो उससे और एक एक तरफ वो काम और दूसरी तरफ मेरा ही बिजनेस, मेरा ही जो जिंदगी के लिए थे, और दूसरा तरफ दूसरों की भलाई करने, तीसरी तरफ दूसरों की भलाई करने का काम। बस बहुत सिंपल बना दिया है जी जिंदगी को, बहुत सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेट चीज ही नहीं। नहीं है। तो मैं कभी क्या बनना चाहता हूँ सोचा नहीं, लेकिन क्या काम करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ। हर दिन उठ के मेरा पूरा दिन का शेड्यूल बताया मुझे, रेडियो ये करना है, ये करना है। तो जब मैं ये सोशल वर्क शुरू काम करना शुरू किया, पहले मैंने पीस ऑटो करके एक बनाया, अच्छा ऑटो रिक्शा यूनियन। तो ऐसा हो गया कि जो मैं ऑटो ड्राइवर से बात करता था 2012 2013 में, वो बोल रहे थे कि सर सब ऑटो ड्राइवर को गाली देते हैं। मैंने बोला क्यों? तो सर 20% या 30% ऑटो ड्राइवर लोग ज्यादा पैसा मांगते हैं, जिधर जाना है उधर नहीं आते वो सब, इसलिए उनको गाली देते देते हम सबको गाली देते हैं, हम तो नहीं करते ऐसा। बोला अच्छा ठीक है, तो एक काम करेंगे ना, आप सबको एक ब्रांडिंग बना देंगे, जो अच्छे लोग हैं, जो ये सब काम नहीं करते हो, जो एक्स्ट्रा चार्ज करना, जिधर जाना है उधर नहीं जाना, वो सब कस्टमर से रूडली बात करना, उन सबको छोड़ के आप जो अच्छे ऑटो ड्राइवर है इनको आपको लगा कि एक टीम बनाएंगे कॉल्ड पीस ऑटो। तो सात ऑटो ड्राइवर आ गए। मैं बोला हाँ सर, हम ये जो आपने जो गाइडलाइंस बनाया तो उसको हम एग्री करते हैं, हम आ जाएंगे। तो 7 से 7 हज़ार बन गए 7 साल में। तो ऐसे ही बड़ा होता रहा, बड़ा तो हो गया। अच्छे अच्छे लोग जुड़ते रहे। ऑटो रिक्शा डे, हर साल हम ऑटो रिक्शा डे करते, हज़ारों से ऑटो ड्राइवर आते हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और उनके लिए बहुत सारे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, उनके लिए पैसा मिल, ये जो छोटा छोटा लोन है ना 5,000 2,000 का, वो लोन मिलता है उनको 0 इंटरेस्ट पे, ये सब उनको फायदा होने लगा, वो एक कम्युनिटी बन गया। कम्युनिटी बने। सो मेरा मानना है कि अकेले में कोई शक्ति नहीं होता, तो अगर आपको शक्ति चाहिए तो सब इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने उनको बस वो जो संगठन शक्ति है उसको परिचय करवाया, वो करा दी। हाँ बस इस, आप अगर ये संगठन को इस तरह बनाओगे तो आप सब सोसाइटी में जो आपके जो फियर है, अगर मैंने कल काम नहीं किया तो क्या होगा मेरा, ये सब डेली वेज अर्नर, हर दिन कमा के हर दिन खाने काम का। का, अगर ये दो दो दिन काम नहीं कर सकता तो उसको कौन देखेगा। तो हमने क्या किया, अगर कोई किसी का ये नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और एक हफ्ता उसको काम नहीं हुआ, तो बाकी सब लोग थोड़ा थोड़ा 500 200 इकट्ठा करके इनको देंगे, उनका बन गया एक हफ्ता का। तो ऐसे करके करके इतने सारे लोगों को हमने, इतने सारे ऑटो ड्राइवर को हमने हेल्प किया, इसलिए एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना। जी तो और उसके बाद जब आप सोसाइटी में काम करना शुरू करते हो, एक के बाद एक प्रॉब्लम आपके साथ आपके सामने आता है, उनका सॉल्यूशन आप बनाना शुरू होते हो। तो हमने ये देखा कि पूरे बेंगलुरु में वो इलीगल फ्लेक्स डाल दिया, कौन है, पूरे नेता लोग, उनके चमचे लोग, पूरा इलीगल फ्लेक्स डाल के उनके चमचे चमचों का, नेताओं का फोटो लगा के पूरा बेंगलुरु को खराब कर दिया। बेंगलुरु इतना बढ़िया सिटी था, करेक्ट, इतना अच्छा दिखता था। मैंने तो 2015 में आ गया, मैंने फोटो देख रहा था, वीडियो देख रहा था बेंगलुरु कैसा था, तो पूरा बेंगलुरु को खराब करके रखा है। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे सुबह सुबह उठ के इनके चेहरे देखने का क्या करे ना। तो मैंने बोला ये सब इलीगल है। तो हमने लॉ चेक किया, लॉ क्लियरली सेज, हाई कोर्ट ने भी बोला कि ये तब इलीगल इलीगल है, है। इनको हटाना चाहिए, लेकिन कोई हटाता नहीं, कोई उनको वो फ्लेक्स बैनर में हाथ ही नहीं डालता क्योंकि पूरे गुंडे लोग ही है। गुंडे हैं। तो हमारा एक बी पैक है, बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी करके, तो किरण मजुमदार शाह और मोहनदास भाई ने चालू किया था, इन्फोसिस और वायकॉन के जो संस्थापक है उन्होंने चालू किया अच्छा। था, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। तो उनमें एक ग्रुप है, तो ये जो यंग पॉलिटिकल लीडर्स का ग्रुप है, ये लोगों ने एक मूवमेंट चालू किया कि हम ये सबको हटाएंगे। तो ये जो इलीगल
बैनर लगाते, इनको हटा के हमारे बेंगलुरु को सफाया साफ कर देंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है हम एक काम करेंगे, फ्लेक्स पॉलिटिक्स बेड़ा का कैंपेन चालू करेंगे और पूरे बैनर को हटा देंगे। हम हटाते हटाते कंप्लेंट फाइल करते करते एंड किसी ने और एक बार हाईकोर्ट गया, पीएल फाइल किया और हाईकोर्ट ने बैन कर दिया। कितना साल लगा आपको? हमको 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर में, या 1.5 साल लगा। सो 1.5 साल का कंटिन्यूस एफर्ट, हमारे मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सिटीजन ग्रुप थे। थ्रेटनिंग कॉल नहीं आया आपको? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आज तक मुझे कोई थ्रेटन नहीं किया। आपको सुन के हैरानी होगी, मुझे कोई थ्रेटन नहीं किया। पता नहीं क्यों, पता नहीं मैं किसी को डराने वाले लगता हूं या नहीं, लेकिन कोई कभी थ्रेटन कॉल नहीं किया। लेकिन मेरे पास, मेरे साथ काम करते हैं, उनको कोई एक दो थ्रेटन कॉल आया होगा, तब वो मुझे बोलते हैं कि मैं उनको फोन करके क्या और कर रहे हो। कभी कभी वो जाने पहचाने वाले लोग ही होते हैं, फोन होते हैं, है? तो उनका फ्लेक्स हटाया, उन्हें वो कॉल करके क्या कर रहे हो, बोला अरे भाई तुम्हारा फ्लेक्स इलीगल है। तो कभी एक ऐसा हो गया था कि वो लोग 5,000 खर्चा करके फ्लेक्स डाल देते हैं और हमारा लड़का होगा एक 5 रुपए का इंक आता है ना उसको डाल के आएगा, वो उसको गुस्सा आएगा, हमने 5,000 लगा के प्लस किया, तुम लोगों ने 5 रुपए इंक में पूरा फ्लेक्स खराब कर दिया। मैंने क्यों डाला, वो इलीगल है। अगर तुम कानून को नहीं मानते हो, अगर आज ये छोटा लगता है ये फ्लेक्स डालना, लेकिन कल तुम किसी का कत्ल कर दोगे, किसी को मार दोगे, तब भी तुम कानून नहीं मानोगे, आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी। तो इसलिए वो फ्लेक्स बैनर, फ्लेक्स पॉलिटिक्स बेड़ा कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हो गया। 1.5 साल के बाद पूरा बेंगलुरु का फ्लेक्स गायब हो गया। और ये आपने जो अटल क्लिनिक खोला है इसमें क्या हुआ? था तो उसके बाद क्या हुआ कि अटल जन क्लिनिक के पहले हमने सेव गवर्नमेंट स्कूल कैंपेन किया। सो सेव गवर्नमेंट स्कूल कैंपेन की मैंने कन्नड़ा मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया था, तो मुझे पूरे कर्नाटका में 50,000 गवर्नमेंट स्कूल थे, अभी तो 45,000 होगा, उसमें कम से कम 50 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मैं भी वही पढ़ा, वो गवर्नमेंट स्कूल से ही मैं पढ़ा। जब मैं विलेज जाता हूँ तो देखने के लिए, गांव जाता हूँ, मुझे लगता है कि अगर कुछ बदलाव लाना चाहिए तो एजुकेशन में। मेरे पूरे परिवार गरीबी से ऊपर आके एक अच्छा जिंदगी आज जी रहे, उसका एकमात्र कारण है कि मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला, मुझे एजुकेशन मिला। मैं मानता हूं कि एजुकेशन इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल टू लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। अगर किसी को एजुकेट बनाओ, उनको काम धंधे में डाल दो, वो काम करके इस देश का अच्छा नागरिक बनकर रहे। उनको कुछ नहीं चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, एक रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छा फूड चाहिए, स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, ये सब बेसिक थिंग चाहिए। और जो उनका आस्था है, उनका जो विश्वास है भगवान के ऊपर, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस लोग उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हम बना रहे हैं, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप किसी के साथ बैठ के पूछो कि क्या तुम्हें चाहिए, वो 3-4 चीज बोलेगा, उसके ज्यादा उनके कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हम ये पूरा सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स बना दिया, हमने बनाया, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्सिटी में ही बिजनेस होता है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बिजनेस, आप कॉम्प्लेक्सिटी करो, जो भी बिजनेस हो, वो पॉलिटिकल बिजनेस हो, रिलीजियस बिजनेस हो, कोई बिजनेस हो, तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी में ही चलता है। तो मैंने सोचा कि अगर ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, अगर इनका कंडीशन इंप्रूव हो गया, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट स्कूल का आंदोलन चलाया कि 2016 में कर्नाटका गवर्नमेंट एक कस्तूरी रंगन कमेटी डाल के एक रिपोर्ट तैयार किए थे गवर्नमेंट स्कूल के स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। लेकिन वो रिपोर्ट तैयार होके 2 साल कुछ नहीं हुआ था, वो कैबिनेट भी नहीं आया,
और असेंबली में भी नहीं गया, वो ऐसे ही पढ़ा रहा। मैं सोचा ये क्या है भाई, इतना अच्छा रिपोर्ट है, इसको इंप्लीमेंट करोगे तो हमारा ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन ये कर ही नहीं रहा। तो हमने उसको उठाया, हमने बोला अभी ये चेंज करो। अच्छा काम हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया, उसका इंप्लीमेंटेशन में इसका अच्छा होगा। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है। तो ये हम 2 साल चले। अच्छा मेरे गांव से एक बार मेरा मेरा माँ का कॉल आया था, तुम इतना कुछ कर रहे हो, पता है जिस जिस स्कूल में तुम पढ़े हो, जिस शाला में तुम पढ़े हो, वो स्कूल का हालत थोड़ा खराब है, उनके लिए एक बिल्डिंग चाहिए, बना के दे दो। माँ का ऑर्डर है भाई। मैंने बोला 7 लाख लगेंगे। मैंने 7 लाख दे के एक बिल्डिंग बना के दे दिया। अभी उधर उस बिल्डिंग में हर साल 30 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। और उसके बाद मैंने, मेरा कुछ सेलिब्रिटी दोस्त है तो फिल्म इंडस्ट्री में, उन सबको फोन किया, एक काम करो आप एक एक स्कूल दे दो, एक एक गवर्नमेंट स्कूल अडाप्ट कर लो और उनको उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लो। ऐसे इम्प्रूव करके एक स्कूल हासन में बस 20 बच्चे थे, अभी उसमें 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे 4-5 स्कूल को हमने इम्प्रूव किया, तो एक मूवमेंट बन गया। तो अभी गवर्नमेंट भी एक मूवमेंट चला रहा है कि आप स्कूल अडाप्ट कर लो, गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट में अडाप्ट करके डेवलप करने का स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया। और उसके बाद आपने उस टाइम बोला था नम्मा हीरोज करके, मेरा ये मानना है कि जब डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, किसका डेवलपमेंट है? जब हम देश के बारे में बात करते हैं, देश क्या है? देश तो लोग है ना, भारत मतलब भारतीय जी तो लोग हैं, करेक्ट। बाकी सब तो ऑफकोर्स मिट्टी और लोग दोनों तो का बहुत प्रामुख्यता है ना। तो मिट्टी से हम जुड़ते हैं और हमारे लोगों के साथ जिंदगी बिताते हैं, तो उन लोगों को सभी को एक साथ लेते हैं, सभी को हमारे संविधान में भी ये यही कहा गया कि इस देश में हर कोई को इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी इक्वल बनाने के लिए अच्छा गवर्नमेंट चाहिए, नहीं तो गैप बढ़ जाएगा। जिसके पास पैसा है वो ज्यादा बनाएगा, जिसके पास नहीं है वो नीचे जाएगा। अच्छा गवर्नमेंट इसलिए चाहिए कि वो बनाने। तो इसलिए हम जो भी पॉलिटिक्स में बात करते हैं डेवलपमेंट का, सबके साथ सबका विकास, आप तो सुना होगा मोदी जी का बहुत बड़ा कैंपेन है सबका साथ सबका विकास। तो जब उसके लिए काम करना है तो हमको मालूम पड़ना चाहिए कि हर एक आदमी, हर एक भारतीय, हर एक इस देश के नागरिक को उतनी ही प्रामुख्यता है, वो कोई भी हो सकता है। मेरा इतना मानना है कि अगर ओके ठीक है मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, लेकिन कौन क्लीन करेगा सामने? अगर कल से पूरे बीबीएमपी वर्कर्स जो पौर कार्मिका से वो जो काम करते, वो बोला कि हम काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? क्या आप रेडी हैं? क्या मैं रेडी हूं? क्या वो रेडी है क्लीन करने के लिए? जो हम बोलते हैं ना मैन होल, वो जो गटर का काम करते हैं, जी कोई उतार सकता है उसमें? कितना मुश्किल काम है। अगर वो करते हैं, दो वजह हो सकता है, एक उनको और कोई काम नहीं मिल रहा, वो जो और दूसरे काम करने के लिए उनको एजुकेशन ही नहीं मिल रहा होगा, मिला होगा ना, जी और दूसरा उनको जीने के लिए पैसा चाहिए ना। हाँ तो ये जो जैसे वो गटर में उतरते हैं, वो भी हमारे जैसे, वो कोई और अलग लोग नहीं है। नहीं हम तो मैंने सोचा कि अगर वो लोग नहीं होते, ये समाज नहीं चल सकता। इसलिए हर साल हमने एक नम्मा हीरोज करके एक अवार्ड शो बनाया। तो उन लोग 25 लोगों को हर साल में 5 स्टार होटल लेके जाता हूँ, अच्छा उनको ITC, ताज, ये सब होटल लेके जाके, बेंगलुरु का जो भी टॉप लोग होते हैं बिजनेस वर्ल्ड से हो, पॉलिटिक्स से हो, फिल्म इंडस्ट्री, उनको बुलाता हूँ, बोलता हूँ ये लोग
सामने बैठेंगे, आगे फर्स्ट रो में बैठेंगे, और आप सब आके उनको अवार्ड देना है। पांच साल से अवार्ड शो कर रहे हैं। एक दिन एक पौरकार्मिका, वो जो भी हमारा कॉरपोरेशन वर्क काम करती है, वो 60 साल की थी, उन्होंने बोली मुझे, मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, मैं ये सब होटल को देखा हूं, इतने बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि तीस साल से काम कर रहा हूं। 30 साल का मेरा काम आज कोई मुझे लेके जाके बोलेगा कि आपका 30 साल का जो सेवा है इस सिटी के लिए, हम उसको आदर करते हैं। कोई बोला नहीं उनको। तो इसलिए नम्मा हीरोस शुरू की 5 साल से, हर साल 125 लोगों का अभी तक हमने आदर सत्कार किया और उनको अवार्ड दिए। और उसके बाद हमने अब अटल जनता क्लिनिक के बारे में पूछा, तो मैंने आपको बोला था मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, हमारे पास पैसा नहीं था। जब मैं गांव में था, कभी कभी 200 रुपया चाहिए होता था कि हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना, चेकअप और थोड़ा मेडिसिन, 100 रुपए तो कम से कम लगता जी। वो भी नहीं थे, हम डिले करते थे। अगर मैं फादर को बोलो कि मुझे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चले, क्या 2 दिन रुको, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो लेकिन अभी मुझे समझ इस इतने साल में समझ में आया कि आप अगर कोई डिले करते हो, अगर सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हो, तो वो ज्यादा बन हो सकता है, आपको ज्यादा तकलीफ दे सकता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक हेल्थ केयर। तो पहला फर्स्ट एड होता है, तो वो उसको बहुत सारे लोग जाते ही नहीं। तो बेंगलोर में भी स्लम है, जिसके पास कर नहीं होता वो स्लम में जाके रहते हैं, एंड उधर बहुत सारे लोग, हर तरह के लोग उधर आते हैं, एंड जब वो रहते हैं उनके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उनको कोई, उनको जो भी स्कीम है गवर्नमेंट का, हॉस्पिटलाइजेशंस में वो स्कीम मिलेगा, जब हॉस्पिटल जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएट प्राइमरी हेल्थ केयर है तो वो अफोर्डेबल नहीं हुआ। बेंगलुरु में कम से कम अगर आप चेकअप के लिए जाओगे तो 300 रुपए लग जाएगा, 300-400 ऐसे ही जाएगा, मेडिसिन मिला के 300-400 ऐसे ही लाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक मोबाइल क्लिनिक खोल लेते। अच्छा, तो मैंने 3-4 मेरे दोस्तों को फोन किया, मैंने बोला देखो मुझे मोबाइल क्लिनिक खोलना है, 3 साल का प्रोजेक्ट है मिनिमम, 3 साल का कमिटमेंट है मिनिमम, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहला 3 साल करना है। इसके लिए 1.5 करोड़ होगा, तो मैं 50 लाख डालता हूँ, आप लोग डाल दो। तो मेरे 4 फ्रेंड्स बोले कि ठीक है, बाकी सब हम डाले। तो ऐसे अटल जनता क्लिनिक गया। आप सोच रहे कि अटल जनता के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे खोला, क्योंकि एक मेरा हीरो है। तो बेसिकली अनिल साहब, जो भी कठिनाइयां आपको बिगिनिंग में हुआ था, और जहां जहां लगा आपको कि समाज को इस चीज प्रॉब्लम होता है, उसको आपने अपने हिसाब से टैकल करने की कोशिश की। मेरा जो भी इनिशिएटिव हो जी, जितने भी काम आपने किया हो, मैं और एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने राजेंद्र नगर करके एक स्लम है कोरमंगला आडूगोडी के, जब एक बार मैं गया था उधर, तो अभी हर बार, हर 3-4 दिन में एक बार जाता हूँ, वो मेरे घर के बाजू में है। तो उधर एक लड़का था 27 ईयर ओल्ड, अभी उनका किडनी फेल हो गया, वो क्रिकेट खेलता था, काम करता था, पूरे घर में एक ही था जो कमा के आता, तो उनका अभी किडनी फेल हो गया। मैं जब उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि देखो, मैं एक ही था काम करने वाला, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट होना है, 4-6 लाख चाहिए, क्या करें। हमने क्या किया, तो मैंने बोला कि एक काम करते, मैं 50,000 रुपये देता हूँ, तो बाकी सब पैसा मैं एक क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया। अच्छा, मैंने पूरे दोस्तों को भेजा, आप एक काम करो, 5,000-10,000 जितना हो सके तो डाल दो। तो अभी पूरा पैसा इकट्ठा हो गया, अभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं।
तो उनकी उनका जिंदगी वापस आ जाएगा। और मैं मुझे वही खुशी है, अगर आप पूछोगे मुझे क्यों मैं ये सब कर रहा हूं, कि अगर उनका जिंदगी बन गया ना, मुझे वो खुशी मिलती है। सबसे बड़ी खुशी है। तो अनिल साहब ये बताइए, ये सब आपने किया, स्ट्रगल किया, उसके जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की सोसाइटी में कोशिश की, तो पॉलिटिकल फील्ड क्यों ज्वाइन किया? तो जो भी मेरा प्रोजेक्ट्स है, जी जो भी मैंने चालू किया, ये सब मैं इतना सा कर सकता हूँ अपने लेवल पे। अपने लेवल पे, जितना मेरे मेरा जितना शक्ति है उतना कर सकता हूँ, लेकिन वो काफी नहीं होगा। मैं एक का किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ, दो कर 10 का करवा सकता हूँ, बाकी सबका मैं 10 लोगों का फीस भरवा सकता हूँ, स्कूल फीस, या एक दो बिल्डिंग बना के दे सकता हूँ, बाकी सबका क्या। तो अगर आप बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास आइडिया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए सरकार में जाना सरकार में पड़ेगा। अब जाना पड़ा। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मैं आरएसएस लोगों से बात करता हूँ, वो हमको गाइड करते हैं। कभी मैंने संघ के कोई आदमी मुझे मुस्लिम को हेट करने के लिए नहीं सिखाया। तो ये बताइए कि आपने कहा है मोदी जी के बारे में सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी के लेवल पे ये बात दिखाई देता है, लेकिन डाउन द लाइन आपके लीडरशिप में बीजेपी में दिखाई नहीं देता। और किसी भी मुस्लिम के पास जाके सिर्फ आप एक वर्ड बोले बीजेपी, तो उनको ये पता चल जाता है अगेंस्ट मुस्लिम। तो मैं इस बात को क्लियरली बोलता हूं, हम प्रो हिंदू हैं, एंटी मुस्लिम नहीं, प्रो हिंदू है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल से जो कांग्रेस किया है माइनॉरिटी अपीसमेंट से, हिंदुओं को अपने देश में सेकेंड क्लास सिटीजन बना के रखा। कंट्री में, इसी बैंगलोर की बात ले लीजिए, आपके एरिया में कुछ लोग मुस्लिम रहते होंगे, लेकिन जब आप लीडर बन जाते हैं तो उस एरिया को, मुस्लिम के एरिया को क्यों नहीं आप देखते उसी नज़रिया से जैसे दूसरा हिंदू का एरिया है, कि चलो इसकी सफाई हो जाए, यहाँ एजुकेशन होना चाहिए? क्योंकि जब तक आप उनको साथ नहीं लेंगे, वहाँ डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, ये आप क्लोज नहीं हो सकते।